एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशिष्ट पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटा बेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुँचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल meraparivar.haryana.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनों के अंदर जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए, सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल डबल भी ले लेता है।
जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना गलत बना, आज जो नई स्कीमें उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा दोष नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से नौकरी से अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है, शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था संपन्न परिवार था कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस सारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान, ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी, पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़े जा सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़े ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने
होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था, पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है, ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।